नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रत्नेश सदा ने ली नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पहले दिन आए इतने आवेदन। बालासोर रेल हादसे में मृतक के परिजनों को लेकर सीएम नीतीश ने किया ये ऐलान। सीएम नीतीश ने मांझी को लेकर कहा ये। एशिया कप की तारीखों का हुआ ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता और सीटों में होगा इजाफा। राज्य में फार्मेसी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा अलग अलग जांच समितियां गठित की गई हैं, जो दो फार्मेसी कॉलेजों की आवंटित सीटों में वृद्धि करने और एक नए फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का काम करेगी। मालूम हो कि गठित की गई यह समितियां जांच करेंगी कि संबंधित संस्थानों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप आधारभूत संरचना, शिक्षक, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, लैब आदि की उपलब्धता क्या है। वहीं जांच पूरा कर समिति अपना रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपेगी और फिर इसके बाद ही नए फार्मेसी कॉलेज के गठन और साथ ही दो अन्य कॉलेज में सीट बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रत्नेश सदा ने ली नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ। आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें जेडीयू विधायक ने मंत्री पद का शपथ ले लिया। बता दें कि यह पहली बार है जब रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने के दौरान रत्नेश सदा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को सरकार से बाहर जाने के बाद मांझी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने को लेकर रत्नेश सदा को कैबिनेट में शामिल कराया है। रत्नेश सदा लगातार तीसरी बार जेडीयू से सोनबरसा विधानसभा से जीतकर विधायक हैं। पटना के वीवीआईपी इलाकों में बदला ट्रैफिक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा पटना के वीवीआईपी इलाकों के ट्रैफिक में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि अब एक अन्य मार्ग सर्कुलर रोड, देश रत्न मार्ग सहित आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही पुलिस बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। बता दें कि सर्कुलर रोड पर आम गाड़ियों के परिचालन को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ऑटो और ई रिक्शा के रूट में बदलाव करते हुए गांधी मैदान से एसपी वर्मा होते हुए डाक बंगला रोड आने वाले रास्ते को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब एग्जीबिशन रोड रूट से परिचालन होगा। हालांकि इस बदलाव से ऑटो और ई रिक्शा चालक परेशान है, इसलिए ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा संयुक्त बैठक कर बीते दिन इसका विरोध भी किया गया। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पहले दिन आए इतने आवेदन। बीते दिन से बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में पहले दिन रात 8 बजे तक इसके लिए 500 से अधिक छात्रों के द्वारा फॉर्म भरा जा चुका है। हालांकि इनमें से अंतिम रूप से पेमेंट 400 अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in या www.online.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बालासोर रेल हादसे में मृतक के परिजनों को लेकर सीएम नीतीश ने किया ये ऐलान। कुछ दिनों पहले उड़ीसा के बालासोर में भयावह रेल हादसा घटित हो गया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और साथ ही कई लोग घायल भी हो गए थे। इन लोगों में कुछ लोग वैसे भी थे जो बिहार से आते थे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा करते हुए कहा गया है कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो इस घटना में घायल हो गए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2 अधिकारियों को भुवनेश्वर भेजने का निर्णय लिया गया है, जो वहां जाकर डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे लापता लोगों के परिजनों की मदद करेंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में थर्ड ग्रेड के 62% पद खाली। बिहार के विश्वविद्यालयों में पिछले 20 वर्षों से वर्ग 3 कर्मियों की नियुक्ति न होने की वजह से बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में वर्ग 3 कर्मियों के 62% पद खाली है, जिससे कि कार्यों के संचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की ओर से विभाग को पूर्ण ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मियों की सूची विभाग को भेजी गई है। वही 3 विश्वविद्यालयों के द्वारा यह रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में पूरी सूची आने के बाद विभाग की ओर से कैबिनेट की स्वीकृति लेकर कर्मचारी चयन आयोग की बहाली के लिए प्रस्ताव भेजने का कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार में बैंक लोन लेकर घर बैठने वाले हो जाए सावधान।
अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले लिया है और उसे चुका नहीं रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। बता दें कि अब लोन या सरकारी राशि लेने वाले लोगों को एक सूची तैयार की जाएगी। दरअसल नीलामवाद के निष्पादन में तेजी लाया जा सके इसके लिए जिला नीलाम पदाधिकारी के द्वारा सभी नीलामवाद पदाधिकारियों को सख्ती से राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है और साथ ही 20 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने को कहा गया है जिसकी समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही सूची को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा वरीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित नीलाम पत्रवाद के निष्पादन में ठोस कार्रवाई करें। बिहार बोर्ड का 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव आज से शुरू। आज यानी कि 16 जून से बिहार की राजधानी पटना में स्थित होटल मौर्या में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में बिहार बोर्ड के 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की जा चुकी है जो कि कल यानी 17 जून तक चलेगी। मालूम हो कि इस कॉन्क्लेव में 24 राज्य के 32 परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सचिव और पदाधिकारी ने भाग लिया है। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीबीएसई की अध्यक्ष निधि छब्बर शामिल हुई। इसके अलावा 2 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में पैनल के एक्सपर्ट के रूप में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लिए। आईएसके पाठक ने शिक्षा सचिवालय का किया औचक निरीक्षण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी के पाठक काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार विभाग के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर पदाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में के पाठक शिक्षा सचिवालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जहां उन्होंने सभी दफ्तरों का मुआयना किया और प्रशाखा पदाधिकारी से कई सवाल भी पूछे जिसका जवाब देने में वे घबराहट के कारण ठीक से जवाब न दे सके। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई भी देखी और आदेश दिया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, फाइलों को उसके सही स्थान पर रखें और सुनिश्चित करें कि सभी समय पर आएं। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान एक विशेष प्रशाखा पदाधिकारी और एक सहायक पदाधिकारी का वेतन बंद करने का भी निर्देश दिया और साथ ही इन पदाधिकारियों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करने को कहा क्योंकि वे बिना किसी सूचना के दफ्तर से गायब थे। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रूस यूक्रेन से पहुंचेंगे श्रद्धालु। 20 जून को बिहार की राजधानी पटना में इस्कॉन पटना की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है जिसमें बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी लोग शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी इस्कॉन पटना के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक सिस्टम से बना वशिष्ट रथ होगा और उसके आगे आगे रॉक बैंड होगा। वहीं रथ यात्रा से पहले रथ को विभिन्न प्रजातियों के फूलों से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 2:30 बजे इस्कॉन मंदिर से चलेगी और तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर, हाईकोर्ट, बिहार संग्रहालय, पटना वुमेन्स कॉलेज, इनकम टैक्स गोलंबर, तारामंडल होते हुए शाम 7 बजे वापस रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर पहुँच जाएगी। बिहार सरकार को मंजूर नहीं 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा राजभवन को एक चिट्ठी लिखा गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों में समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक नहीं है जिस वजह से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं चल पा रही, इसलिए राज्य सरकार 4 वर्षीय कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में राज्य सरकार का यह विचार है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में किसी नए कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले राजभवन को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा कुछ महीनों में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर को समय पर लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सीएम नीतीश ने मांझी को लेकर कहा ये। आज नीतीश कैबिनेट के विस्तार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जदयू के विधायक रतनीश सदा के द्वारा मंत्री पद का शपथ लिया गया। ऐसे में जब इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि मांझी अब आपसे अलग हो गए हैं और तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मांझी दिल्ली जाकर बात कर वापस आए थे तो हमसे कहे थे कि हम आपके साथ रहेंगे, यहां थे तो वो चाहते थे कि हम बड़े जगह पर रहें। एक बात सबको मालूम था कि वह जहां कहीं भी थे लेकिन बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, वहां से मिलकर वो सब कुछ तय कर लेते थे, फिर हमारे यहां भी आकर कहते थे कि हमको कुछ अलग चाहिए तो हम तो जान ही रहे थे यह सब बात, तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तो आपको भी मालूम है कि आपको हमने इतना ज्यादा बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, इसलिए अब या तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कीजिए, नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो वह मर्ज नहीं किया और ठीक है अलग हो जाते हैं तो अलग हुआ तो ठीक हुआ, उनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
विपक्षी एकता पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बयान। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। वहीं अब इस बैठक पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकता में मामला यह है कि इसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं और अब उनके साथ चलने वालों का उन पर कितना भरोसा होगा। उन्होंने कहा कि यह तो कछुए की सवारी समुद्र में है, कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं। नीतीश कुमार कब रहे, किनके साथ रहे, किनसे उनकी मनोकामना की पूर्ति होगी, यह तो वही बताएंगे। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। यह कहे उन्हें 15 महीना भी नहीं हुआ था और वह बीजेपी में चले गए थे, तो कब क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। एशिया कप की तारीखों का हुआ ऐलान। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एक लंबे इंतजार के बाद एशिया कप के मुकाबलों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत 31 अगस्त 2023 से होने वाली है और जिसका खिताबी मुकाबला 17 सितंबर 2023 में खेला जाना है। मालूम हो कि इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में संयुक्त रूप से होगा, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में और बाकी के 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। हालांकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग लेंगी जो कि 2 ग्रुप में बटा हुआ होगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कन्हैया कुमार, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सफुल्ला, नौशद अंसारी, अर्जुन राम, पीके पासवान, मुटू रंगीला, प्रिंस मोहम्मद असलम, धनंजय कुमार, नूनू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार 3 वर्षीय स्नातक की तुलना में 4 वर्षीय स्नातक विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार डी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।